दोस्तों आपने हमेशा महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा, आज हम आपको बताने वाले कि 20 रुपए में आप खाना कैसे खा सकते हैं। तो आज हम आपको पूरे 20 रुपीज में खाना खा के बताएंगे, और ये आज का हमारा रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे हम खाना खाने वाले हैं। लेट टेस्ट करके आपको बताएंगे हम कि कैसा यहाँ का खाना होता है, और मैं आपको भैया से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। भैया कितने का होता है पराठा अपना? 10 रुपए का पराठा भैया। 10 रुपए का पराठा है, तो इसको टेस्ट करते हैं। तो आप प्लीज़ दो प्लेट लगा दीजिए मेरे लिए और मेरे कैमरामैन के लिए, ठीक है भैया? ये वो भैया हैं जो ये पराठे बना रहे हैं, आप पराठों की मेकिंग भी देख सकते हैं। ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं आप भैया? रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल, तो कितने पराठे आप भेज देते हैं दिन भर में? सोयाबीन का ऑयल यूज़ करते हैं। कितने पराठे भेज देते हैं भैया? टोटल 150 पराठे। और सबसे अच्छी बात अगर आप देखेंगे तो इन्होंने मास्क का प्रॉपर यूज़ किया हुआ जब ये पराठे बना रहे हैं, तो ये हाइजीनिक भी है। हमने पराठे बन गए हैं, तो इसमें स्पेशली सब्जी है, और तो अभी हमने पराठा खाना शुरू कर दिया है, और इसको टेस्ट कर लेते हैं पराठे को। आलू की सब्जी है प्लस छोले भी हैं सब्जी में। सब्जी देखिए आप इनकी, ठीक है, नॉर्मल सब्जी है। टेस्ट करते हैं, गाइस अगर मैं बात करूँ नॉर्मल रेस्टोरेंट की ढाबे की, सब्जी इनकी अच्छी है, पराठा भी टेस्टी है। पराठे में आलू की स्टफिंग है और थोड़ी सब्जी की स्टफिंग है, नाइस। साथ में हमने अलग से एक छाछ भी ली है। टेस्ट पूरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमी नहीं है, अल्टीमेट खाना है। और 20 रुपये के अंदर मैं भरपेट खाना खा रहा हूँ, ये बहुत अमेजिंग बात है। अगर आपको लगता है कि जयपुर के अंदर भी 20 रुपये में आप खाना खा सकते हो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आपका मूड हो कभी, तो आप घर से निकल के एक बार यहाँ ज़रूर आएँ और इनकी भी हेल्प करें। बहुत छोटा सा इनका काम है, दे हैव जस्ट स्टार्टेड, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे खाना। बाद में आपको उनसे भी बात कराएंगे। और देख कितने सारे लोग यहाँ भैया बैठे हुए हैं, सब खाना खा रहे हैं, और एक भैया तो मैं घर से मात्र 20 रुपये में मैंने पेट भर के खाना खा लिया है। गाइस ये सबसे बड़ी अमेजिंग बात है।